नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विशेष में। दुब घास को आपने अवश्य ही देखा होगा, इसे दुर्वा भी कहा जाता है। ये घास जमीन पर फैलता है और आपने बाग बगीचों में इसे अवश्य ही देखा होगा। हिंदू धर्म में दुब घास का बहुत महत्व है। ये घास गणेश जी को प्रिय है, पूजा और कर्मकांडों में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस घास का जितना धार्मिक महत्व है, इससे कई ज्यादा औषध कार्य में भी उपयोग किया जाता है। ये एक अति पवित्र और दिव्य गुणों वाली जड़ी बूटी है। सदियों से इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। इस घास में पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये पेट में होने वाला कब्ज दूर करता है। ये पेट में होने वाले कब्ज और अजीर्ण को मिटाता है। यही नहीं दोस्तों, ये यौन रोगों में भी बहुत लाभकारी है। ये लीवर के लिए फायदेमंद है और डायबिटीज को मिटाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसमें गर्भस्थापक गुण होते हैं। दुब घास का ताजा रस निकाल कर पीने से स्त्रियों में होने वाला बांझपन दूर होता है। दोस्तों, सिर दर्द होने पर दुब घास को पीसकर चूने के साथ मिलाकर इसका लेप सिर पर लगाने से सिर दर्द मिट जाता है। दोस्तों, दुब घास का रस निकाल कर कुल्ला करने से मुंह के छाले मिटते हैं। इसका ताजा रस रोजाना 10 से 15 मिली की मात्रा में पिलाने से पुराने से पुराना अतिसार यानी दस्त मिटता है। इसके रस को चावलों के धोवन के साथ मिलाकर पिलाने से उल्टी तुरंत बंद हो जाती है। इसके अलावा दुब घास को पीसकर सौंठ और सौंफ के साथ मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से भी दस्त में आराम हो जाता है। दोस्तों, पेशाब की किसी भी प्रकार की समस्या होने पर दुब घास का ताजा रस निकालकर साथ में मिश्री मिलाकर 15 से 20 मिली की मात्रा में खाली पेट पीना चाहिए। इससे पेशाब खुलकर आता है, पेशाब की जलन मिटती है और प्रतिदिन 10 से 12 दिनों तक लगातार प्रयोग करते रहने से पेशाब के रास्ते पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। इसका ताजा रस निकालकर रोजाना कुछ दिनों तक लगातार पीने से एनीमिया मिटता है और खून की कमी दूर होती है। दोस्तों, इसकी प्रकृति शीतल होती है। अगर स्त्रियों में श्वेत पत्र की समस्या है यानी सफेद पानी की समस्या है तो दुब घास का ताजा रस रोजाना पिए। कुछ दिनों के प्रयोग से ही सफेद पानी की समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, दुब घास का ताजा रस निकालकर सुबह 10 से 15 मिली की मात्रा में रोजाना खाली पेट सेवन करने से पेट में अजीर्ण नहीं होता, अपारा, गैस, एसिडिटी सब खत्म होते हैं और पेट साफ हो जाता है। इसके ताजे रस का रोजाना सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल की बीमारी का खतरा दूर होता है। यही नहीं दोस्तों, ये डायबिटीज के लिए भी रामबाण औषधि है। दोस्तों, इसका 15 से 20 मिली की मात्रा में ताजा रस निकालकर खाली पेट रोजाना सेवन करने से डायबिटीज के मरीज का 50-60% ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसका काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए दुब घास के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, फिर एक गिलास पानी में धीमी आंच पर पकाए। जब आधा पानी शेष रह जाए तब उतार कर छान ले और ठंडा होने के बाद पी जाए। दोस्तों, इस प्रयोग को रोजाना करने से मधुमेह तो कंट्रोल में होता ही, साथ में मधुमेह से उत्पन्न होने वाली कमजोरी भी मिट जाती है। इसके अलावा दुब घास के रस के साथ नीम के ताजी पत्तियों का रस निकाल कर समान मात्रा में मिलाकर भी आप सेवन कर सकते हैं। इससे रक्त में शर्करा का स्तर काफी नियंत्रित हो जाता है। दोस्तों, इसका एक दिव्य प्रयोग है, ध्यान से सुने। जिन स्त्रियों को गर्भ में बच्चे जी न रहे हो, ऐसी स्त्रियों के लिए ये दुर्वा किसी चमत्कार से कम नहीं। इसके लिए इसका प्रयोग बहुत सरल और आसान है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को दुब घास का ताजा रस 20 से 25 मिली की मात्रा में रोजाना खाली पेट सेवन कराने से गर्भ में पल रहा शिशु सुरक्षित रहता है। इससे शिशु पूरी तरह सुरक्षित रहता है तथा गर्भ के लगभग सारे विकार दूर हो जाते हैं। हमेशा दुर्वा के रस का सेवन करने से गर्भपात का खतरा बिल्कुल टल जाता है।